नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल वी एन गार्डनर में एक नई वीडियो के साथ। और आज का विषय रहेगा ऑर्गेनिक को अपनाने के बारे में, और जिसमें जो तड़का लगता है दाल सब्जी या जो भी आप ले लीजिए, तो उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज करने का। और सबसे पहले जैसे घी का हो गया या फिर तेल का हो गया, वनस्पति का हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में उपलब्ध हैं। लेकिन एक नई दिशा की ओर जो है एक कदम वो उठाने का जो है मैंने हमेशा प्रयास किया है, और इस बार भी जो काफ़ी 3-4 सालों से जो है जो सरसों का तेल है खुद पिलाया हुआ हमारे नज़दीक है यहाँ पर, जो डवाहन है पोस्ट ऑफिस कोटली तहसील के अंडर आता है, वहाँ पर एक व्यक्ति ने जो है कुल्हू लगाया हुआ है जिसमें सरसों की पिलाई की जाती है। उससे पहले भी मैंने काली सरसों का जो तेल है उसको निकाला था और वो ख़त्म हो गया। इस बार मैंने जो है तकरीबन 50 kg जो है सरसों का तेल के लिए जो है सरसों ली हुई है जो ब्राउन कलर की है। और 50 किलो में कितना निकलता है? वैसे तो 300 से 350 ग्राम जो है जहाँ से मैंने परचेज़ की थी दुकानदार से, उसने कहा है कि इतना तकरीबन निकल जाएगा। और 4700 रुपये यानी 4700 की मुझे पड़ी थी, यानी पर केजी 94 रुपीज़। और उसके बाद जैसे गांव में ऐसा होता है कि हमारे इधर पशु भी होते हैं, तो खड़ जो बचती है, जो इसका जो मटेरियल बचता है जिसको हम अपनी भाषा में खड़ कहते हैं, तो वो पशुओं के लिए यूज हो जाती है। 35 रुपये पर केजी के हिसाब से वो मिलती है। और हम टोटल एस्टिमेट लगाएंगे कि कितने रुपए का जो है असल में हमें जो प्योर तेल है वो कितने का पड़ा, जिसमें मिलावट जो है ना के बराबर होगी, और आप जो है उसको इस्तेमाल भी कर सकेंगे, खासकर जो शुगर पेशेंट है और आजकल की दिनचर्या है। आजकल की दिनचर्या कैसी है कि खा तो हम अच्छा रहे हैं, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि हमारे माँ बाप के, हमारे दादा दादी के, कि वो बोलते थे कि हम झोल से ही खा लेते थे। झोल जो है मंडी में एक फेमस पेय पदार्थ है, जिसमें जो है जो छाछ है और कुछ चावल के दाने, कुछ और इंग्रेडिएंट जैसे मसाला वगैरह डाल के तैयार करते थे, उसको पी लेते थे सब्जी के साथ, रोटी के साथ। पहले तो सब्जी भी नहीं होती थी, तो उनका हार्ड वर्क होता था, वो पचा देते थे। लेकिन अब जो है अच्छा अच्छा खा रहे हैं, जैसे मटर पनीर खा रहे हैं, मीट वगैरह मांस जो भी है आहार में यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसके मुताबिक जो वर्कआउट है वो नहीं हो पा रहा। रिजल्ट क्या है कि शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, और 45 साल के बाद जो है डॉक्टर बोल देता है कि आपको शुगर की दिक्कत हो गई, आप खाना छोड़ दो। तो आप खाइए लेकिन कम खाइए, और जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा है, या तो आपको लगता है कि वर्कआउट आपका ठीक है तो डाइट उस हिसाब से रखिए, अगर आपका वर्कआउट कम है तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो, जैसे चावल आप कम कर सकते हैं, घी आप कम ले सकते हैं, दूध आप थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है अब साइड में जा रहा है, तो उसमें मैं आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन जो सरसों का तेल है वो कितना निकलता है 50 kg में, वो देखते हैं। आप मार्का देख लीजिए, जो भी है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने जो है 4700 की परचेज़ की हुई है, नेट वेट 50 kg, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी ब्राउन कलर की है अंदर। ये है दोस्तों जो सरसों है, पीले रंग की है, और 300 ग्राम के तकरीबन उन्होंने बताया था कि इसमें निकल जाएगा। और बोरी भी वही है मार्का, आप देख लें। Thank you.
सरसों है उसको बार बार जो है ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है उसमें डाला जाता है ताकि सरसों से जो है पूरा तेल निकल सके। और ये दोस्तों 5 लीटर की अभी दाल भी है इसको जो है 2-3 बार के आप 1 घंटा और लगेगा अभी। यहाँ पर देखिए आप स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे निकल रहा है। दोस्तों अब जो सरसों है उसको पिला दिया है और ये जो मटेरियल बचा इसमें, ये जो मटेरियल बचा इसको खली कहते हैं और गाय जो है इसको बड़े चाव से खाती है, तकरीबन 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जो भी है इस तरीके से। और ये 15 लीटर जो है जो सरसों का तेल है वो इसमें से निकला है, तो 1,000 रुपये 20 रुपये पर केजी के हिसाब से पिलाई के लिए दिया है। और जो तेल की कॉस्ट है जिसमें 1,000 पिलाई के लिए दिया गया और जो दूसरी 94 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 4700 रुपये की खरीदी थी, तो 275 रुपये पर लीटर के हिसाब से मुझे पड़ा है। जो भी है वो यही है कंटेंट, लेकिन जो फ़ायदे हैं इसके, एक तो जो पेशेंट है जैसे जिनको शुगर पेशेंट है, डायबिटिक है, या फिर जिनको जो फैट है उनको लेने के लिए मना किया है, तो बेस्ट ऑप्शन है ये। महंगा आपको बेशक पड़ेगा लेकिन श्योरिटी होगी और प्योरिटी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए विषय के साथ।